मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ डिग्री हासिल कर लेने से चिकित्सक का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। डिग्री हासिल करने के बाद आगे विशाल संभावनाओं वाला क्षेत्र है, जहां चिकित्सक समाज हित में बहुत कुछ नया कर सकते हैं। सीएम योगी गुरुवार सुबह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम व नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल का उद्घाटन करने के बाद यहां तंबाकू नियंत्रण विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर मरीज डॉक्टर के लिए रिसर्च का भी विषय होता है। एक डॉक्टर यदि एक वर्ष ओपीडी में मरीजों को देखता है, मरीजों को सलाह देता है, तो इसके जरिए उसे एक नया व व्यवहारिक पब्लिकेशन प्राप्त हो जाता है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करने का भी प्रयास करें। इनोवेशन और रिसर्च ही योग्यता का आधार है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दी है। सीएम योगी ने इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लंबे समय तक अभिशाप बनी रही इंसेफ्लाइटिस का जिक्र करते हुए कहा कि 1977-78 में आई इस बीमारी से 40 साल में 50,000 बच्चों की मौत हो गई, पर 40 साल में इस पर एक भी रिसर्च पेपर देखने को नहीं मिला। हद तो इस बात की भी रही कि जापान ने इंसेफ्लाइटिस के लिए वैक्सीन 1906 में बना लिया था, लेकिन भारत में यह उपलब्ध हुई 100 साल बाद 2006 में, जबकि कोरोना काल में महज 9 माह में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश में दो स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो गई है। यही नहीं, देश में कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज दी जा चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में जब वह मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने की चुनौती थी। इसके पहले जब वह सांसद थे तो सदन में मुद्दे उठाते थे, सड़कों पर आंदोलन करते थे। उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस पर जारी संघर्ष के कारण ही पीएम मोदी ने गोरखपुर को एम्स दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएससी, पीएससी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं तो सुदृढ़ की गई हैं। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को नोडल बनाकर 9 विभागों को एक साथ जोड़ा। स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, जागरूकता के माध्यम से बचाव पक्ष को भी इलाज जितना ही महत्वपूर्ण माना। समन्वित प्रयासों का परिणाम है कि 4 साल में ही इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों में 95% तक कमी आ चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। 2 साल कोरोना से प्रभावित नहीं होते तो इंसेफ्लाइटिस का पूर्ण उन्मूलन कर लिया गया होता। सीएम योगी ने कहा कि यद्यपि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, फिर भी उपचार से महत्वपूर्ण पक्ष बचाव का होता है। तंबाकू के सेवन व धूम्रपान से होने वाले नुकसान को सभी जानते हैं। धूम्रपान का हानिकारक असर संगत वालों को भी होता है। तंबाकू के उत्पादों पर उसके खतरों के बारे में लिखित व चित्रित उल्लेख होने के बावजूद लोग इसका सेवन कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि तंबाकू के खतरों से बचाव में डॉक्टरों की बड़ी भूमिका हो सकती है। चिकित्सक उनके यहाँ आने वाले हर मरीज को इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मरीज आपके पास आए तो उसे तंबाकू से बचने के लिए प्रेरित करिए। सीएम योगी ने कहा कि तंबाकू किसी प्रकार का हो खतरनाक होता है। इसके नियंत्रण को लेकर एम्स ने जो भी अभियान शुरू किया है उसमें राज्य सरकार अपना पूरा सहयोग देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में किसी भी तरह के तंबाकू के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। कोई इसका उल्लंघन करेगा तो दंड का भागी होगा। उन्होंने 5 वर्ष पूर्व सचिवालय भ्रमण का वाक्य बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वह पहली बार सचिवालय का जायजा लेने निकले तो वहां जगह जगह गुटखा पान खाकर थूका हुआ मिला। तभी उन्होंने यह फैसला किया था कि सरकारी कार्यालयों में तंबाकू सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। इस अवसर पर एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर सुरेखा किशोर, प्रोफेसर अशोक प्रसाद, प्रोफेसर बीएस गर्ग, वंदना शाह, डॉक्टर ओम प्रकाश बेरा आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चेयर ऑफ प्रोग्राम एडवाइजरी कमिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और को चेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ICMR डॉक्टर सुनीला गर्ग एवं एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा। Be
आगे हट जाओ, पीछे पीछे पीछे, उधर उधर चलो, उधर उस साइड, उस साइड आगे चलो भैया, आगे सब मत जाओ, आगे मत जाओ, हट जाओ भाई साहब, भाई साहब, हाँ हाँ चलिए 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 हमको जाना दीजिए, हम बनना है बिना भाई गड़बड़ आ जाएगा कैमरा बंद कर दो, पीछे आइए पीछे, अरे अरे हो पड़ेगा, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे भैया, यहाँ से एम्स ने उपलब्ध कराए हैं। ये स्टाफ इसमें तो नियुक्त होंगे, यहाँ पे ये लोग डेटा कलेक्शन और उसके ऊपर रिसर्च ला के डेटा कलेक्ट करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर चारुशीला और मैं डॉक्टर अमित और पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको केयर के लिए सेंटर का उद्घाटन और दूसरा इस अत्याधुनिक सभागार जिसमें आप अभी सब बैठे हैं उसका अनावरण हम सभी के लिए सौभाग्य से हो रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी आदरणीय कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर जी से अनुरोध करते हैं कि वो वंदना शाह जी का स्वागत है। वंदना शाह मैम टोबैको फ्री किड्स के साउथ एशिया प्रोफेसर डॉक्टर शिखा सिंह मैडम के उपरांत हम अनुरोध करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर महिमा मित्तल मैम से कि वो आगे आए और हमारे एल गोरखपुर के इंस्टीट्यूशनल बॉडी के सम्मान किए महिमा मित्तल मैडम को पुनः अनुरोध करते हैं कि वो डॉक्टर ओम प्रकाश बेरा जी सर का स्वागत पुष्पगुच्छ लेकर करें। हर कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से ही तो होती है, जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप भी माननीय विशिष्ट अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं। और इनके आशीर्वाद से ही हम सभी जानते हैं कि एम्स को लाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था और साथ ही साथ शायद आज का ये कार्यक्रम सफल ना होता अगर उनका इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे ये हम उनसे अपेक्षा करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव ये 75वीं वर्षगांठ के दौरान आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नव निर्मित सभागार नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल और इंटरनेशनल डेलिब्रेशन का उद्घाटन करके अपने कर कमलों द्वारा जो किया है उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप सभी को कि यह सभागार 500 लोगों के बैठने की क्षमता रखता है,
तथा उच्च स्तरीय उपकरण से लैस है। नेशनल सेंटर जो NCPRTC है, भारत में तंबाकू समस्याओं का खत्म करने में एम्स की पहल है और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मिलकर कार्य करेंगे। इंटरनेशनल डेलीब्रेशन है हमारी, जो आज हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं और 5 और 6 तारीख को हमारी इंटरनेशनल डेलीब्रेशन रहेगी, जिसमें देश भर के विशेषज्ञों का, अकेडमिक रिसर्च और शोधकर्ताओं का एक सम्मेलन होगा और साथ में मिलकर हम कुछ धूम्रपान मुक्त नीतियों को बनाने में उसमें योगदान देंगे, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश और भारत पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त हो सके। हमारे निमंत्रण को हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आप सभी लोगों ने स्वीकारा, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से एम्स परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर सुरेखा किशोर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहती हूँ। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी ये असली जमीन पाना तो बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोड़ना आसमान बाकी है। आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम टुडे, डॉक्टर सुरेखा किशोर, कुछ शब्द बोलने का मुझे मौका मिला है। और जब यहाँ पे हम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का टोबैको कंट्रोल की जब हम शुरुआत कर रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार में हमारे पास में कोटपा है, कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रिवेंशन एक्ट। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए सभी लोगों को कि केवल टोबैको कंट्रोल ही ऐसा प्रोग्राम है जिस एम्स गोरखपुर के नवनिर्मित ऑडिटोरियम के उद्घाटन और नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल के आज के इस उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर वंदना शाह जी, प्रोफेसर बीएस गर्ग जी, प्रोफेसर अशोक प्रसाद जी, प्रोफेसर सुनीता गर्ग जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश बेरा जी, एम्स गोरखपुर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, हमारे सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, एम्स गोरखपुर के सभी स्टूडेंट्स और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं एम्स प्रशासन को आज के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस नवनिर्मित ऑडिटोरियम के लिए सबसे पहले बधाई देता हूं और डायरेक्टर एम्स प्रोफेसर सुरेखा किशोर जी को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उपयोग सबसे पहले टोबैको कंट्रोल के लिए होने वाले किसी एक इंटरनेशनल सेमिनार के लिए ही किया है और इससे पूरा एम्स प्रशासन अभिनंदन का पात्र है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, लेकिन एक जो बात हम सबको सदैव बताई जाती रही है कि बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण पक्ष बचाव का होता है और बचाव का जो ये पक्ष है, यह हम सबको आज के इस नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ता है। हर व्यक्ति जानता है और हम लोग बचपन से भी इस बात को सुनते रहे हैं कि तंबाकू से
किस किस प्रकार की बीमारी होती है या धूम्रपान से टोबैको किसी भी प्रकार का हो, वह मनुष्य के लिए हानिकारक है। जो सेवन कर रहा है उसके लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन जो स्वयं सेवन नहीं कर रहा है लेकिन ऐसे व्यक्ति के संगत में है तो धूम्रपान से होने वाले नुकसान से वह व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता। और इससे अवेयरनेस के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। आप देखते होंगे जितने भी इस प्रकार के बीड़ी है, सिगरेट है या तंबाकू है, उन सब में लिखा भी जाता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें उस प्रकार के चित्र भी बनाए जाते हैं। उस सब के बावजूद लोग उसका सेवन करते हैं। और हम सब का ये मानना है कि सब के बावजूद यह पक्ष अवेयरनेस का ज्यादा है, कानून पक्ष इसका कम, और इसके माध्यम से जागरूकता के माध्यम से हम अधिक से अधिक जनमानस को इसके साथ जोड़ करके और उन्हें किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन के प्रति जागरूक करके होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए एक बड़ा अभियान अपने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर वंदना शाह को, जिन्होंने 5 वर्ष पहले की उस घटना का जिक्र किया जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और मैंने उत्तर प्रदेश सचिवालय के कुछ भवनों का निरीक्षण किया था। मैंने देखा था कि वहां पे गुटखा पान खाकर के लोगों ने जगह जगह कोनों कोनों में थूका हुआ था, गंदगी का ढेर था। और मैंने उस समय उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े भी किसी भी सरकारी कार्यालय में तंबाकू या उससे जुड़े हुए किसी भी ऐसे उत्पाद को पूरी तरह प्रतिबंधित किया था और कहा था कि इस प्रकार का कोई भी उत्पाद उत्तर प्रदेश शासन के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कार्यालयों में कोई उपयोग नहीं करेगा, और करेगा तो फिर उसके लिए सरकार उसको दंडित करेगी। और उस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने 5 वर्ष पहले प्रदेश में लागू की थी जो सफलतापूर्वक आज भी चल रही है। लेकिन इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और एम्स गोरखपुर इसकी अगुवाई कर रहा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट इसके साथ जुड़ेंगे, मेडिकल फैकल्टी इसके साथ जुड़ेगी, वह इसलिए महत्वपूर्ण है। एक समय हम लोग देखते थे सिगरेट के डिबिया में लिखा रहता था कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मैं देखता था कि उस समय बड़े बड़े डॉक्टर भी सिगरेट की कस सबसे ज्यादा लगाते थे और अपने ओपीडी में पीते थे। पेशेंट उनके सामने बैठा है लेकिन वह सिगरेट की कस लगाते थे। अब तो आपने देखा होगा सरकार ने फिल्मों में विज्ञापनों पर भी इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं कि कहीं भी कोई ऐसा दृश्य नहीं होना चाहिए जो किसी भी प्रकार से इस प्रकार के किसी कृत्य को प्रोत्साहित करता हो। दूसरा, एम्स गोरखपुर की दिशा या मेडिकल के क्षेत्र को जो लोग अपनी स्वयं के स्वावलंबन का आधार बनाना चाहते हैं, इसके माध्यम से सेवा के क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, उनके लिए पक्ष और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हम लोगों ने कभी भी, हम लोग देखते हैं और अक्सर आपके साथ भी ये जुड़ा होगा कि आप लोग कार्य करते हैं अपने पाठ्यक्रम तक सीमित रह जाते हैं और आपका प्रयास होता है कि आप अपने पाठ्यक्रम में अच्छे अंक प्राप्त करें, आपको अच्छे अंकों से आपकी यूजी की डिग्री मिले, फिर आप पीजी करें, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में आप किसी एक धारा को लेकर के आगे बढ़कर के अच्छे चिकित्सक के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त कर लें। जो परंपरागत है केवल आप उसी को लेकर के चल रहे हैं, अपने स्तर पर कुछ नया ऐड करने का प्रयास ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। और मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा आपके पास उस प्रकार की संभावना है।
एक चिकित्सक अगर एक वर्ष तक अपनी ओपीडी में बैठता है तो उसके लिए एक नया पब्लिकेशन उस ओपीडी के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक पेशेंट को दी जाने वाली उसकी सलाह और उस पेशेंट के प्रत्येक लक्षण आपके लिए एक नया रिसर्च पेपर भी तैयार करते हैं, और इस पर कभी भी ध्यान देने का प्रयास बहुत कम हो पाता है, बहुत कम ही हो पाता है। और मैं कहूंगा इस बात को, ये हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दिया है, और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सभी बातों को समाहित करने का भरपूर प्रयास किया गया है। हम लोग इनोवेशन को कैसे जन्म दे सकते हैं, हमारा रिसर्च क्या है, यह आपकी योग्यता का आधार बनेगा, और उसी प्रकार से आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं इस बात को देखता था, आप गोरखपुर में हैं और एम्स गोरखपुर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विगत वर्ष हुआ है। इससे पहले यहां पर आपकी यूजी की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी, तब भी मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था। यहां पर जो पुराने फैकल्टी मेंबर्स हैं आपके एम्स गोरखपुर और गोरखपुर से जो जुड़े हैं, वे इस बात को जानते हैं। देखिए, आज भी हम लोग कहां और किस रूप में जीने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी वैसी स्थितियां हैं इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां पर 1977-78 में एक बीमारी आई थी, मस्तिष्क ज्वर की, इंसेफ्लाइटिस की, और 40 वर्षों में इस बीमारी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। मैंने इस पर बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन 40 वर्षों में एक भी रिसर्च पेपर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पे नहीं लिखा गया। 50,000 बच्चों की मौत हो जाती है, कोई उस पर काम नहीं कर पाया। दिहाड़ी मेडिकल कॉलेज में उपचार होता था, अच्छा उपचार होता था, पूरा प्रयास करते थे, संसाधनों का अभाव था, वो सब के बावजूद होता था। लेकिन मैं जिस भी पीडियाट्रिशियन से मिला, 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे ज्यादातर मरने वाले थे। मैं जिससे बात करता था कि भाई इसमें कुछ हुआ, ओके, उनको कुछ जानकारियां थी, और उससे भी ज्यादा अंधेर गर्दी कहां थी। जापान ने वैक्सीन बना लिया था 1906 में, और भारत में वैक्सीन आया 2006 में, 100 साल के बाद। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से देश ने 2-2 स्वदेशी वैक्सीन बना दी। और भारत के अंदर 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस अब तक लग चुकी हैं। अगर हमने डिग्री ली है, इसका मतलब हमारा कार्य समाप्त नहीं हो जाता है, हमारे लिए विशाल क्षेत्र खुला हुआ है जहां पर हम इस रिसर्च की संभावना को आगे बढ़ा सकते हैं। और हर पेशेंट, याद रखना, आप भले जो आधुनिक जो मॉडल मेडिकल साइंस है उसमें इस बात को महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन आप आयुष के उसमें थोड़ा जाके देखेंगे तो उपचार की पद्धति व्यक्ति की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, वह किस प्रकृति का है, उसी प्रकार की उपचार की पद्धति उसके लिए आवश्यक होती है। और मुझे लगता है कि टेबेको कंट्रोल के लिए भी जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को जागरूकता के साथ साथ इसे बृहद पैमाने पर हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, इसके तह में जाने की आवश्यकता भी है। एक बार आप लोगों ने अपने हाथों में इसको ले लिया, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है
और कोई इतना प्रतिष्ठित संस्थान जब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से एक कॉमन मैन उस पर विश्वास करेगा। मंचों से कोई भाषण कर रहा है कितना विश्वास होता है नहीं कहा जाता, लेकिन एक चिकित्सक किसी व्यक्ति को बोलेगा कि भाई तुम्हारी बीमारी का कारण यह है, तुम्हारे कैंसर का कारण यह है, तुम्हें होने वाली ये परेशानी के पीछे ये कारण है, और अगर आप इससे मुक्ति चाहते हैं तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, आपको बकायदा इसके लिए अपील भी जारी करनी होगी कि देखिए मेरी ये दुर्गति हो चुकी है, अगर आप इसको इस दुर्गति से बचाना चाहते हैं तो आप भी इससे मुक्त बनी रखिए रहिए। एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है इसमें, और मुझे लगता है उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। मुझे आप सबको बताते हुए जब 2017 में मुझे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया तो मेरे सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि इससे पहले मैं सांसद था तो मेरे लिए आसान था कि मैं मुद्दों को उठाता था, और जब मुद्दों को उठाते उठाते कहीं कोई ऐसी स्थिति होती थी तो सड़कों पर आंदोलन करता था। लेकिन अब मेरे ऊपर ही था, मैं किसको ब्लेम करूंगा, क्योंकि तब तक तो प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर एम्स का भी सलाह नहीं, एम्स गोरखपुर के पीछे भी मुझे केवल इंसेफ्लाइटिस के कारण एम्स गोरखपुर मिला था, याद रखना, इंसेफ्लाइटिस के कारण ही पीएम साहब ने गोरखपुर को एम्स भी दिया कि एम्स के माध्यम से यहां पर एक नया रिसर्च सेंटर स्थापित होगा और उपचार की बेहतर संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अब दायित्व मेरे ऊपर ही था तो मैं किसको बोलूं, लेकिन मैं लगभग 20-21 वर्षों तक जो आंदोलन किया था संसद में, जिस मुद्दे को मैं रखता था, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि उपचार से महत्वपूर्ण इसमें बचाव हो सकता है, लेकिन हमने उपचार के पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया। आप देखें गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, वायरल रिसर्च का देश के किसी भी मेडिकल सेंटर में या मेडिकल कॉलेज में एकमात्र रीजनल सेंटर गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है। हम लोग वहां पे सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बना चुके हैं, हम लोग वहां पर वे हर संभावनाएं दे चुके थे जो इसके उपचार की व्यवस्था को ठीक कर सकता था। फिर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सीएससी में पीको और मिनी पीको का निर्माण कार्य भी हम कर चुके थे। हम लोगों ने इसके बाद निचले स्तर पर इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर भी स्थापित किए, सर्विलांस को मजबूत किया, लेकिन इस सब के बावजूद हमें था कि नहीं, अभी भी हमें इस पर विचार करना चाहिए कि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव हो सकता है। तो मैंने उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई लगभग 9 विभागों को एक साथ जोड़ करके उन सब के जितने भी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी थे उन सबको मैंने जिम्मेदारी दी कि भाई देखो इसमें स्वच्छता एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा, उन क्षेत्रों को चिन्हित करिए जहां पर इंसेफ्लाइटिस के मरीज आते हैं और वहां पर हर घर में टॉयलेट हो, स्वच्छता के अभियान को विशेष महत्व दो, उन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, वहां पर स्कूली बच्चों को हम स्वच्छता के प्रति जागरूक करें, उन क्षेत्रों में हम लोगों को सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को एक स्तर पर आगे बढ़ाना है, हमने वहां पर कुपोषण के खिलाफ भी एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया, महिला विकास और बाल विकास और पोषाहार विभाग को भी इसके साथ जोड़ा गया, दिव्यांगजन कल्याण विभाग को भी इसके साथ जोड़ा, लगभग 9 विभागों को जोड़ करके और स्वास्थ्य विभाग को उसका नोडल विभाग बना करके अभियान सामूहिक रूप से चला, और इसमें हम लोगों ने यूनिसेफ की मदद ली, WHO की मदद ली, 5 जैसी संस्थाओं को इसके साथ जोड़ा, और 4 वर्ष के अंदर ही परिणाम आ गया कि 4 वर्ष में हम लोगों ने 95% मौतों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर।
ये तो सीजन है। 15 जुलाई के बाद से प्रारंभ होता था और इस समय कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब गोरखपुर के प्यारी मेडिकल कॉलेज में 10 मौतें, 20 मौतें, 25 मौतें एक दिन एक छत के नीचे बच्चों की मां होती रही वो, और ये लगभग नवंबर तक ये सिलसिला चलता था। अकेले प्यारी मेडिकल कॉलेज में भी 500-600 मौतें हर वर्ष होती थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अलग है, जो व्यक्ति हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया उसकी अलग है। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा, लेकिन आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर के कैंपेन चलाया, एक अभियान चलाया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस आज पर प्रभावी नियंत्रण की स्थिति में हम लोग हैं, और कोरोना के बीच में 2 वर्षों का ये चुनौती हमारे सामने नहीं होती तो अब तक हम लोग इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित करके इसका उन्मूलन भी कर चुके होते हैं। और हमें विश्वास है कि हम जागरूकता के माध्यम से, हमने कहीं कोई कमी किसी भी स्तर पर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी अवेयरनेस का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। कोई बच्चा गांव में बीमार हुआ, परिवार कुछ भी कहे, लेकिन उस बच्चे को और उसकी मां को लेकर के हम सरकारी एम्बुलेंस से तत्काल इंसेफ्लाइटिस सेंटर तक हमारी जो आशा वर्कर है वह उससे लेकर के पहुंच जाती। अभी भी यह अभियान चल रहा है, गांव गांव में अभियान चल रहा है। ऐसे ही तंबाकू के बारे में भी हम कर सकते हैं, और मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने FDA को पहले ही इसके बारे में निर्देश दिए हैं, और हम लोग इस पर, राज्य सरकार इस पूरे अभियान के प्रति पूरा सकारात्मक रवैया अपनाते हुए अपना सहयोग देगी, और मैं एम्स गोरखपुर से कहूंगा कि इस कैंपेन को मजबूती के साथ अपने आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हम तंबाकू के सेवन से होने वाली, तंबाकू किसी भी प्रकार का हो, उसके सेवन से होने वाली किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी को रोकने में हमें मदद मिल सके। मैं एक बार फिर से एम्स गोरखपुर के इस नवनिर्मित ऑडिटोरियम के लिए और टैबेको कंट्रोल के लिए, इस नए सेंटर की स्थापना के लिए एम्स प्रशासन को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे आग्रह करूंगा कि यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव 25 वर्षों की एक नई कार्य योजना के साथ, जब 25 वर्ष के बाद देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस कार्य योजना के साथ हमें जुड़ना होगा। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा के अभियान के साथ हम सब जुड़े और आजादी के उन सभी अमर सपूतों को, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ निछावर किया था, उन सब का हम अपने घर में तिरंगा लगा करके सम्मान भी करें। एक बार फिर से एम्स प्रशासन को इस अभिनव अभियान के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय
मैं डॉक्टर सुनीला गर्ग हूँ, चेयर ऑफ प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और साथ ही साथ मैं प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस हूँ कम्युनिटी मेडिसिन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की, और को चेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ICMR। मैं तम्बाकू कंट्रोल के प्रोग्राम में ये कहना चाहूँगी, तो सबसे पहले तो आपको ये समझने वाली बात है कि विश्व में तम्बाकू कंट्रोल का पहला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए हमारे पास में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल बनाया है, परंतु हमारा देश पीछे नहीं रहा। 2007 से हमारे पास में कोटपा है, कंजम्पशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, तो इसको लागू करने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे पास में एक पॉलिसी सेंटर हो, जिसकी शुरुआत हमारे पास में गोरखपुर से हुई है, और स्वयं खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इससे टोबैको के होने वाले जितने दुष्परिणाम हैं बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हम देखते हैं अकस्मात कई मौतें हो जाती हैं, तो ये बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। और विश्व में भारत एक दूसरा देश है जिसमें टोबैको का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है, तो इस मामले में तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये सेंटर हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और हम विश्व को बताएंगे अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा किस प्रकार से टोबैको के ऊपर हम इजाद पा सकते हैं। आज का जो ऑडिटोरियम का उद्घाटन का समारोह जो है, इसको आप जैसे जानते हैं कि उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया है, और हमको बहुत खुशी हुई कि उन्होंने काफ़ी अपना समय दिया और हर चीज़ एक एक करके देखी अच्छे से। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 500 सीटिंग कैपेसिटी का हमारा ऑडिटोरियम बना है, और ये सारे जितने भी नए उपकरण हैं जो एक ऑडियो विजुअल्स लगते हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। साथ ही साथ इसमें मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल है, एक मीटिंग रूम है, और इस सब में जो है हम लोग कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्कशॉप सेमिनार्स ये सब करवा सकते हैं भविष्य जी। एक सेंटर था हमारा जो हमारा एकेडमिक ब्लॉक में है, ये सेंटर है पॉलिसी रिसर्च का सेंटर हम लोग बना रहे हैं, और ये हमारे भारत में एक सबसे पहला सेंटर है जो हम गोरखपुर में बना रहे हैं, और एक अपने ही तरीके का सेंटर है जिसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोगों को बुलवा करके जो टोबैको कंट्रोल पे काम कर रहे हैं उनके साथ मिल करके पॉलिसीज़ बनाएंगे, जिससे कि हम तंबाकू नियंत्रण के लिए जिसमें उसके पदार्थ हैं स्मोकलेस टोबैको है उसके जागरूकता भी करें, और साथ ही साथ कुछ पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हम इसका नियंत्रण कर सकें। क्या अपील करना चाहेंगे जनमानस से? हम यही अपील करना चाहेंगे कि जब आप स्मोक करते हैं या तंबाकू लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं तो आपको पैसे आपके घर वाले भी उसमें इफ़ेक्ट होते हैं। दूसरा, जैसे हम कहते हैं कि आप हर साल 80,000 पेड़ काटे जाते हैं तंबाकू के उत्पादन के लिए, ठीक है, या बीड़ी बनाने के लिए होता है या तंबाकू से संबंधित जो भी पदार्थ बनते हैं। दूसरा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही है, और कहीं ना कहीं जब कोई घर में बड़ा आदमी इसको यूज़ करता है तो छोटे बच्चों पे भी असर पड़ता है, और ये किसी भी एंगल से आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे गाँव में देखेंगे तंबाकू जो स्मोकलेस टोबैको है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ भी यूज़ करते हैं, जिससे उनकी गर्भ को भी खतरा होता है। तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैंसर सभी को पता है, लेकिन कैंसर खाली मुंह का नहीं है, आपके ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, स्टमक का कैंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्सिनोजेंस होते हैं तत्व जो बॉडी में कहीं भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं और कैंसर पैदा कर सकते हैं।